इस बार माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन रियायतों का पिटारा कृषि सेक्टर के लिए खोल सकती हैं, लेकिन इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि हरित क्रांति की ही तर्ज पर एवरग्रीन क्रांति लाई जा सकती है। हरित क्रांति तो लाई गई थी कि पैदावार बढ़ सके किसानों की, लेकिन एवरग्रीन क्रांति लाई जाएगी आपकी थाली की पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए। इस बार के बजट में कृषि सेक्टर के लिए सरकार तोहफों की बरसात कर सकती है। सबसे पहले तो लोगों को खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा प्रदान करने का काम आने वाले बजट के ऐलान कर सकते हैं। इसकी वजह है कि सरकार देश में कुपोषण की समस्या को लेकर चिंतित है। जिस तरह से खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति का नारा दिया गया था, ठीक उसी तर्ज पर आने वाले बजट में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए एवरग्रीन क्रांति का नारा दिया जा सकता है। एवरग्रीन क्रांति लाने की वजह को समझने के लिए हरित क्रांति से जोड़कर ही इसे समझा जा सकता है। खाद्यान्न की आयात पर निर्भरता खत्म करने के लिए देश में 1960 और 70 के दशक में हरित क्रांति का नारा दिया गया था। इससे अगले एक दशक में भारत गेहूं और चावल की भारी पैदावार से पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया था। यही नहीं, दूसरी हरित क्रांति से देश कई जीन्सों का निर्यातक बन गया। देश में फिलहाल खाद्यान्न की पैदावार 30 करोड़ टन से ज्यादा होने लगी है, जो घरेलू खपत के मुकाबले काफी ज्यादा है। सरप्लस पैदावार की वजह से ही कोरोना काल में भी देश की 2/3 आबादी को पिछले 1.5-2 सालों से मुफ्त अनाज वितरित किया जा रहा है। यानी देश की बड़ी आबादी की अनाज की जरूरत तो आसानी से पूरी हो रही है, लेकिन उसमें जरूरी पौष्टिकता का अभाव उसके पोषण में असंतुलन पैदा करता है। इसकी वजह है कि हरित क्रांति के बाद कृषि क्षेत्र में हुआ असंतुलित विकास गंभीर चुनौतियों को लेकर सामने खड़ा हो गया है। दरअसल भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जरूरी है। फिलहाल भोजन की थाली में कार्बोहाइड्रेट तो भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन फैट यानी खाद्य तेल और प्रोटीन यानी दालों की कमी से कुपोषण की समस्या पैदा हो गई है। इसकी वजह से वैश्विक हंगर इंडेक्स की लिस्ट में देश निचले पायदान पर है, लेकिन सरकार थाली के इस बिगड़े असंतुलन को लेकर सतर्क है, जिसे ठीक करना उसकी प्राथमिकता में शामिल है। एवरग्रीन क्रांति के तहत सरकार कृषि क्षेत्र में खेती के असंतुलन को ठीक करेगी। उन सभी फसलों की खेती पर जोर दिया जाएगा जिससे खाद्य तेल और प्रोटीन भरपूर मात्रा में गरीब से गरीब व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। इसी के तहत तिलहन दलहन फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। डेयरी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। पोल्ट्री और मछली पालन को विशेष तरजीह दी जाएगी ताकि लोगों को भोजन में कार्बोहाइड्रेट के साथ जरूरी प्रोटीन और फैट की मात्रा को बढ़ाया जा सके। हालांकि इसी के तहत पहले फेज में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषक तत्व मिश्रित चावल की सप्लाई की जा रही है। दूसरे फेज में अगले 2-3 साल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को पोषक तत्व मिश्रित अनाज ही दिया जाएगा। इस हालात से निपटने के स्थायी उपाय को एवरग्रीन क्रांति का नाम दिया जाएगा। इसमें उन फसलों और उत्पादों पर जोर दिया जाएगा जिनसे गरीबों की थाली तंदुरुस्त होगी। इसके साथ ही बागवानी, पोल्ट्री, मत्स्य और डेयरी को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। परंपरागत फसलों में उन पर ज्यादा बल दिया जाएगा जो पौष्टिकता से भरपूर है। आज तक ब्यूरो।